सचिन, तुम हमारे घर में चोरी कर रहे हो? चोर है तुम, चोर। नहीं, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, हमें किसी ने चोरी करने के लिए भेजा है, मजबूरी हमारी, हम चोर नहीं है सचमुच। अरे तुमको कौन मजबूर करेगा चोरी करने के लिए? और हर चोर जो पकड़ा जाता है ना बोलता है मैं चोर नहीं। अभी काफी हम तुमको सुनिए, देखिए किसने मजबूर किया हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने लिए चोरी नहीं कर रहे, प्लीज हमारा विश्वास कीजिए प्लीज। अगर आज हम तुमको पुलिस में नहीं दिया ना तो तुम बड़ा होके बहुत बड़ा क्रिमिनल बनेगा। कहाँ गए वो पेपर्स? मैंने इसी कमरे में रखे थे। ना कार के पेपर मिल रहे हैं, ना घर के पेपर मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन खा गई, ये आसमान उगल गया। बाबा छोड़ो, मैं ये सब बेचना चाहता हूँ, ये घर, ये कार, ज्वेलरी। लेकिन मैं ये सब तब बेचूंगा ना जब मुझे पेपर्स मिलेंगे। लगता है इस घर से सारे वैल्यूएबल्स गायब हो गए हैं। पापा, हमें क्या पता, ये सब चीजें तो मम्मी रखती है ना, मम्मी को पता होगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। यमिक, तुम अपने मैजिक से इनको इतना पीटो कि ये खुद बता दे कि घर के सारे वैल्यूएबल्स कहाँ रखे। इले गिले पिले दे गुमा के टिली। सुनिए, देखिए, नहीं प्लीज नहीं, आप मत लगाइए प्लीज नहीं, प्लीज देखिए हमने सचमुच चोरी नहीं किया, हमने नहीं किया चोरी। नहीं, हेलो पुलिस, हाँ इधर चोर है पुलिस। अरे क्या करें आप? नहीं, हाँ हमारे हाथ में है वो चोर, बिल्कुल। हाँ हम पकड़ के रखा है चोर। धुआं किधर से आ गया? अरे ये इतना सारा धुआं किधर से आया? ओह माय गॉड, या खुदा, ये धुआं की हटा। अरे सचिन गायब हो गया। जरूर सचिन ने ये धुआं का मशीन लाया होगा ताकि चोरी करते हुए जब पकड़ा जाए तो धुआं छोड़कर गायब हो जाए। हमारा सब सामान, पैसा तो सब ठीक पड़ा है, तो हमने क्या सपना देखा कि सचिन आया और वो चोरी करता है, हम उसको पकड़ा? हाँ, सचिन तो अच्छा लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो हमने शायद सपना ही देखा होगा। हाँ। डिलू डार्लिंग, वो राहुल है ना, राहुल। हाँ। वो विलन बन गया। वो राहुल ही था जो सचिन को हमारे घर में चोरी करने के वास्ते भेजा। इधर सचिन जरूर आया होगा ना, वो हमारा मनी और ज्वेलरी चुराने के लिए। जी कुछ करो, हमें बचाओ जी, इनकी मेमोरी इरेज कर दो, कुछ करो जी प्लीज। सचिन, नो चिंता, आई एम हियर। टिल्लू डार्लिंग, हमने एक बहुत बुरा सपना देखा, हमारा राहुल है ना, वो विलन बन गया। तुमको उल्टा सीधा सपना देखने के अलावा कुछ काम है गधेड़ा? अरे इतना अच्छा आदमी के ऊपर तुम इल्जाम लगाता है, हम तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। नहीं टिल्लू डार्लिंग, हम सोचा नहीं, हमको लगा कि राहुल विलन बन गया, लेकिन राहुल तो बहुत अच्छा आदमी है। तो वही तो हम बोल रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, तुमने भी फिर से बचा लिया, तुम्हें हमेशा बचा लेते हो, थैंक यू वेरी मच। सचिन जी, क्या हुआ? तुम्हारे हाथ तो खाली है, मैंने तुम्हें रूमी के घर भेजा था ना रुपया और ज्वेलरी के लिए, कहाँ है वो सब? डल्ला सांटी ने देख लिया था हमें, तो इसलिए हम भाग गए। मुंडी काट के उसमें भूसा भर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम लोग वो नहीं करना चाहते जो मैं करना चाहता, इसीलिए तो तुम पैसे नहीं चुरा पाए, वो भी डरना एक दम औरत के घर से। यमिक, सचिन को अपने मैजिकल पावर से इतना पनिश करो कि ये किसी को भी किसी काम के लिए ना कह सके। इले गिले पिले दे गुमा के टिले। प्लीज छोड़ो। पापा प्लीज योमिक को मना कीजिए, योमिक मैजिक मत करो प्लीज, प्लीज योमिक छोड़ो। सागर सचिन सचिन अब मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे जल्द से जल्द उनका घर के पेपरों के बारे में पता नहीं चलाना तो देखना इससे बुरा हाल होगा। चलो योमिक। सचिन 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 आप प्लीज प्लीज दर्द मत करो, हमें बहुत दर्द हो रही है, प्लीज प्लीज तुमको मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाती हूँ। अरे आप सब लोग तो बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, फिर भी आपको क्या को लगता है कि तुम सब लोग बीमार हो गया है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर, हम लोग बीमार नहीं है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ने सपना देखा है और वो सपने में हमारा नेबर है ना, उसका लड़का सचिन आया और सचिन ने हमारा घर में चोरी किया। और पता है हमने क्या देखा, हमारा जो नेबर है ना राहुल, वो तो एकदम से विलन हो गया है। हाँ, सारा मोहल्ला में जितना घर है उनके यहाँ चोरी करो और ज्वेलरी चुराओ। हाँ डॉक्टर अंकल, हमें भी ऐसा ही लगता है। हम मिरर के अंदर चले गए और मुझे पता नहीं क्या क्या दिखा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो बहुत ही बुरा सपना देखा और वो भी दिल में। और दिन में सपना देखना बहुत खतरनाक है, हम चलते चलते गटर में गिर सकते हैं और हम मर भी सकते हैं, इसलिए डॉक्टर प्लीज हेल्प अस। डॉक्टर साहब पहला हमारा सपना सुनो, हमारा सपना बहुत खतरनाक सपना है। ये देखो, ये जो तुम्हारी समस्या का समाधान करना ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपना फादर को इधर भेज देता है, वो तुम्हारे समस्या का समाधान अच्छी तरह करेगा। अच्छा चल मैं अब आ गया और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं किया। स्टूपिड डॉक्टर। और क्या तूने टेस्ट नहीं लिखा है? बिलीव मी मैंने टेस्ट नहीं लिखा। ओए नहीं ओए, ये झूठ बोल रहा है, ये हमें बना रहा है, इसने टेस्ट जरूर लिखा है, इसके हाथ में कोई दर्द नहीं है। ओए नहीं ओए, इसे कुछ नहीं आता होगा, ओए इसलिए इसने अपने हाथ पे पट्टी बांधी है। ओए सचिन तू स्टूपिड है, तेरे में दिमाग ही नहीं है। ओए इधर आओ। हाँ हाँ जल्दी आओ। क्या ओए जल्दी आओ इधर। ओए इसने एग्जाम ना देने का बहाना बनाया है। ची, तुम इन सबका बैंड बजा दो और खासकर इन हक्का बक्का का। ऐसा बैंड बजाना इनका कि ये भूल जाए दूसरों का बैंड बजाना। नहीं रिया, हमें हक्का बक्का के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन बड़ी प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए जिसे हम फेस कर रहे हैं। राहुल अंकल का सोचो, अब क्या होगा, हमें कुछ भी करके राहुल अंकल को ठीक करना होगा, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। रिया बट सचिन हम क्या करें? सचिन मैंने पापा के बारे में बहुत सोचा, पर हम क्या करें? मुझे नहीं लगता अब हमारे पापा कभी ठीक हो पाएंगे। मैं घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये बुरे वाले पापा चले नहीं जाते। सचिन रिया का कुछ पता चला? कुछ नहीं, पूरा स्कूल छानवारा, वो कहीं भी नहीं है। ओह नो, स्कूल को छूटे हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन रिया का कुछ नहीं पता चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। ओह गॉड, बहुत गुस्से में थी वो, कहाँ गई होगी हमें भी नहीं पता। लेकिन आस्था हमें रिया को ढूंढना तो होगा ना। तुम्हें याद है सचिन रिया ने लास्ट वर्ड्स क्या बोले थे? उसने कहा था कि उसे ये विलेन राहुल अंकल बिल्कुल पसंद नहीं, और जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक वो घर में नहीं आएगी। ओह नो, हमने तो सोचा ही नहीं, रिया हमें छोड़कर कहीं बहुत दूर चली गई है। ओह गॉड सचिन अब क्या होगा? अब तो बहुत देर हो गई है, अगर योमिक ने रिया को देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ओह नो, लेकिन आस्था रुको, हम ची को बोलते हैं। ची बाहर आओ। सुनो जी, रिया मैं छोड़कर कहीं चली गई है। तुम वहां ढूंढो और हम दोनों यहाँ पे ढूंढते हैं। ओके रिया, रिया। छी, मैं क्या करूं? उस घर में जाऊं जहाँ पर बेमतलब हमें थप्पड़ खाना पड़ता है, या फिर उस घर में जाऊं जहाँ पर एक-एक चीज पराई है, या फिर उस घर में जाऊं जहाँ पापा पूरे घर को बेचने वाले हैं, या फिर उस घर में जाऊं जहाँ पापा हमसे चोरी कराते हैं, हमसे। नहीं जी, हमें कहीं नहीं जाना। रिया डोंट वरी, हम सब ठीक कर देंगे। तुम्हें हमारे लिए सब कुछ करते हो जी। जी आओ, मेरे पास आओ। जी गड़बड़, तुम रिया नहीं हो। मैं तुम्हारी रिया हूँ जी, आओ मेरे पास आओ। मेरा शैडो है पर रिया का शैडो नहीं है। तुम रिया नहीं हो। जी तुम सही कह रहे हो जी, मैं रिया नहीं हूँ, मैं यौमिक हूँ, यौमिक। कब तक बचोगे तुम मुझसे? मैं तुमसे तुम्हारी बॉडी लेकर ही रहूंगा। सचिन, रिया, 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 कहाँ थी तू? तू रो क्यों रही है? हाँ? देखो रिया, अगर तुम भी ऐसे रहोगी तो फिर धूम गैंग का क्या होगा? हाँ? सचिन, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकती और ना ही तुम लोग वहाँ कुछ कर सकते हो। हमारे पापा हमें कितना मारते, कितनी पिटाई करते, हमारी हमसे कुछ भी करवाते हैं वो, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। रिया, वो विलेन राहुल अंकल हमारे घर में हैं, लेकिन जरा ये तो सोचो कि हमारे वाले राहुल अंकल भी वहीं पे हैं, वो भी मिरर में कैद हैं। हमें उन्हीं के लिए घर में जाना होगा। अगर यौमिक और राहुल अंकल ने उन्हें कुछ कर दिया तो? हाँ, उनके बारे में भी तो सोचो। रिया, तुम्हें तो पता है ना, वो हमारे रियल डैडी नहीं है, वो तो डुप्लीकेट डैडी हैं, जिन्हें यौमिक ने क्रिएट किया है। और जब वो थप्पड़ मारते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता कि वो अपने बच्चों को मार रहे हैं। सचिन डोंट वरी, मैं इस प्रॉब्लम से तुम लोगों को निकाल लूंगा। मेरे साथ आओ, और मैं जब तक तुम लोगों के साथ हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे साथ अपने घर चलो। प्लीज जी, तुम जल्दी कुछ करो, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। घर चलो, चलो चलो। कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे इधर से? तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हुई, काफी देर हो गई। एले गेले पेले, दे घुमा के टेले। राहुल, ये सब बच्चे तुम्हारे खिलाफ स्कूल में प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग, और वो भी मेरे खिलाफ। सचिन, अब तुम अकेले नहीं, तुम सब जाओगे रूमी के घर पर वो कैश और ज्वेलरी लाने के लिए। नहीं पापा, हम ज्वेलरी नहीं चुराएंगे। हाँ, और नहीं, हम वो पैसा चुराएंगे। तुम लोग चोरी नहीं करोगे? नहीं। देखता हूँ मैं तुम लोग चोरी कैसे नहीं करते हो। तुम लोगों के सर काट के उसमें भूसा भर दूंगा। राहुल दिख रहा, इधर आओ नी, जल्दी आओ नी। हमारे फैमिली में ना एक अजीब सा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सबको लगता है कोई चोर आएगा, सारा सामान चोरी करके ले जाएगा। हाँ, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमने क्या किया पता है? हमारा सारा मनी, सारा ज्वेलरी, सब कीमती सामान बैंक के लॉकर में डाल दिया। अब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब ये गंदे वाले राहुल अंकल हमें चोरी करने को नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि ज्वेलरी और पैसा तो रूमी अंकल के पास है ही नहीं। हाँ, रूमी अंकल ने सारी ज्वेलरी और सारे पैसे बैंक लॉकर में लॉक कर दिए हैं। This time we are safe. Yes, अब हम सेफ हैं। हमें कोई रॉबरी नहीं करनी पड़ेगी। गलत। तुम्हें वो चोरी करनी पड़ेगी। मुझे वो पैसे किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे? पर पापा, पैसे ज्वेलरी तो रूमी अंकल के पास है ही नहीं, उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो सारे पैसे और वो सारे ज्वेलरी तो रूमी अंकल ने बैंक लॉकर में लॉक कर दिए हैं। हाँ। नहीं। हाँ। तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा है कि मैं तुम्हें रूमी के घर भेजूंगा चोरी करने के लिए। रूमी के घर नहीं, मैं तुम्हें बैंक भेज रहा हूं। तुम मेरे साथ बैंक जाओगे चोरी करने के लिए नहीं, डकैती डालने। रॉबरी, 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 रॉबरी। यस, रॉबरी।